प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल के रानी कमलावत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत की खास बात ये रही कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची। खबरों के मुताबिक ये महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए पहुंची थी। मुस्लिम महिलाओं ने कतार में खड़े होकर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए, साथ ही पीएम मोदी को 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए शुक्रिया कहा। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने हाथों में पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर पकड़े हुए थे जिन पर शुक्रिया मोदी जी लिखा हुआ था। आपको बता दें कि जब केंद्र की बीजेपी सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लाई थी उस वक्त भी मुस्लिम महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया था और पीएम मोदी का धन्यवाद किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में नए तरह से बनाए गए कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। भोपाल में रानी कमलापत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भोपाल के इस रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है बल्कि रानी कमलापत जी का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था वो भारतीय रेल को ही कोसता हुआ नजर आता था। एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतारने में ही सालों साल लग जाते थे, लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। बता दें कि भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल पर 16वीं शताब्दी में गोंड शासकों का शासन था। ऐसा माना जाता है कि गोंड राजा सूरज सिंह शाह के पुत्र निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। रानी ने पूरे जीवन काल में बड़े ही बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था।